किसका भी लेना, हिस्ट्री लेना। ये बाद में अमेंडमेंट मिल रही है, जेन्युइन नहीं है, ऊपर का ऐसा जेन्युइन है। लो जी ए छत इन्ना सारिया छत तो हट रहे कि लकड़ी की वुडन दरमियानी शीशा मध्यम पै गया जो कद चमकता सी आदमी फर्श से खड़ा छद के लो इस कमरे का सारा माहौल कद इस आईने में नजर आऊंगा। नहीं जी, ये गवर्नमेंट ने खरीद रखी है। इस महल का दूसरा दुख है जिथे मालक मरे ने उथे महल के मुतलका समान नहीं रहा। अगर वो पलंग मेज कुर्सियां रखी होंगे तो अपने तौर पर बड़ा वाला म्यूजियम होता। लो जी ये दूसरा तहखाना, ये भी उसका इधर उसके अंदर नहीं देख लेने के मन तो सर इधर हो जाना, इधर दरवाजा सब के जा ये भी उसे तरह ये हम सब के भी स्टोर का काम दे। अंदर यहां नीचे लाइट्स है, अंदर लाइट्स नहीं है। तो यहाँ नीचे क्या है? ये पहले वक्तों में ठंडक में रहने के लिए कमरा था, जंग में के जमाने में छुपने की जगह थी, चांदी के सिक्के बोरे। ये चनियोर जो है पाकिस्तान का एक लखनऊ है, इसके रियर लार्ज चनियोटी शेख थे। जो आप बादशाही मस्जिद देखें या चनियोट की सैर करें तो कभी तंगलिया में घूमे, हर उनका पुराना मकान एक महल है लकड़ी का खूबसूरत। आप भी शेख पुरानी से अलग है? हाँ, तो बस वो अब वो चनियोट की वो पुरानी तहजीब, ये उजड़ना बसना साथ साथ है। तो आप आपको अलग से जैसे इनसे फुर्सत में बता चुका फिर आपको, आप जितनी देर इनके साथ हैं ये तो आप भी सुनते रहे। लो जी आप इस तरफ आ जाइएगा। बैठक से मेहमानों से मिलने का कमरा, इसकी छत खास है
कि एक दायरा बना, आप देखते हैं स्टार के अंदर, इसमें गोल्ड कलर में पहले यू लिखा, उसके अंदर एच डाला, उमर आया, हर दायरे में युवा जी लिखा है, फिर एच को भी कवर के फूलों से सजाया, ये युवा शिशु में भी लिखा, ये दरमियान में दो पट्टियां यू को जाहिर करती हैं, ऊपर ग्रीन एच उमर आया। वो ये उसका पर्सनल रूम था, शीशे को देखो तुम बड़ा या ऊपर जो यू एन एच लिखा हुआ है ना, ऊपर चढ़ के देखो किसी चीज़ पे चढ़ के लो ना इसकी, नहीं नहीं वो ठीक है वो, तो वो मेन एंट्रेंस हुई, तो ये किस चीज़ का रूम बताया, ये बैठक होती है हमारे जरूर बैठ के, हर घर में शेखों के हर घर में बैठक होती है। अच्छा अच्छा, तो ये बास ही आया तो बास ही पार करते हैं, गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं ना, गेस्ट हाउस। जी जी, ऊपर का रास्ता, ऊपर रास्ता है जाने का, ये म्यूजियम देख के फिर ऊपर चढ़ते तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहता। ये तारीख में मुख्तसर बता देता हूँ कि इसे शेख उमर हयात ने बनवाया था 1922 से लेके 1930 तक, कई कहते हैं 1925 से 35 तक शेख उमर हयात शुरू हुई थी उस दौरान। हाँ, शेख साहब रहने वाले चनियोट के, चनियोट की मशहूर शेख बरादरी से ताल्लुक था उनका, वो अपने वालद की छोड़ी दौलत लेके वर्षे में जो मिली, कई कहते हैं कुछ ना होते हुए कोलकाता गए, तो वहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर, शिप ब्रोकर और प्रॉपर्टी डीलर बन गए, दौलत कमाई, पिंडी भटिया में आ शादी की, अल्लाह ने उन्हें बेटे और बेटी की सूरत में औलाद की नेमत दी, तो उस औलाद के रहन सहन के लिए उन्होंने ये 5 मंजिला महल बनवाया, लेकिन खुशियाँ रास नहीं आई, ये एक झरोका बना, बाकी जो आपने सामने से देखा बनाया, लेकिन दूसरा झरोका दाएँ हाथ के दरवाजे पर बनना बाकी था कि उमर हयात साहब की डेथ हो गई, वो नज़दीक कब्रिस्तान है वहाँ दफन कर दिए गए, फिर आगे चल के ट्रेजेडी ये हुई कि एक बेटा था, बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की माँ ने चाहा महल में खुशियाँ आ जाएं, महल के वारस पैदा हों, बड़ी धूमधाम से शादी की, बस रब की तरफ से जो तय था होके रहा कि उनका अगलौता बेटा शादी की अगली सवेर को वलीमे वाले, उसी रात की, हाँ खुशी की रात गुजार के अगली सवेर को जी यहाँ नहाने गए, अंदर कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो गैस उस बाथरूम में फैली तो उनके अगलौते बेटे की दम घुटने से मौत वाक़ हो गई, फिर उसकी माँ ने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मर गए तो रहे, अपने बेटे गुलजार को महल के सेन में दफन करवा दिया, एक साल बाद माँ भी चल बसे, उन्हें साथ दफन कर दिया, तो ये एक लिहाज से मिजार हो गया, ठीक है, जीते जागते रहना था बस अल्लाह का अमर। तो यहाँ पे नहाने के लिए गए थे? हाँ, बाथरूम में फिर जी इसमें यतीम खाना बना दिया, उमर हयात के भाइयों ने मेर बख्श, कादर बख्श, अहमद यार, अल्लाह बख्श, चार भाई थे उन्होंने, हाँ मेर बख्श, कादर बख्श, अहमद यार, अल्लाह बख्श, आप हो रहा है, हाँ बस मेरे पास होंगे आप, ये कौन थे, ये इसके भाई थे उमर हयात के, कदरबाश अहमद यार अल्लाह बख्श, बारह चार भाई थे, उन्होंने कहा भाई अब हम तो नहीं रहते, अपने बीवी बच्चों के होते हुए कब्रों के पास रहना पसंद ना किया, और इसमें यतीम खाना बनवा दिया, मियां मोहम्मद अमीन सैगल साहब वो भी शेख थे, उनकी कराची नेशनल सिल्क मिल्स थी, वो रहते रहे उनसे, फिर 1990 में एक डिप्टी कमिश्नर आता ताहिर साहब आए, उन्होंने इस पुराने कल्चर की हिफाजत के लिए इसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करा दे दिया और लाइब्रेरी में बदल दिया, अब ये लाइब्रेरी भी है और सैर से याद का मेरा शोभा लाइब्रेरी के यहाँ रहते रहते एक लिहाज से गाइड भी हो, ठीक तो है जी, हाँ जी चलिए ये कहते हैं घर के मालिक उमर हयात के पास कोई विक्टोरिया टाइप गाड़ी थी, शेख किलाई बस थे यहाँ पे, ऊंचा शहीद है वो 31 में कश्मीर में शहीद हो गए, ये उनकी शायद है, ये टार्च और खंजर कश्मीर में शहीद होने वाले पहले शख्स चंगोर से थे, यहाँ मोखा माशकियाँ मोहल्ला है वहाँ पे एक ऊंचा शहीद है वो भी शेख बरादरी से, इनका मजलिस एहरार से ताल्लुक था, उनका मजलिस एहरार ने तहरीक चला रखी थी कश्मीर अंग्रेजों के खिलाफ, तो तब वो शहीद हुए,
ये आगा अब्दुल नासिर साकब है जी चिल्लोन के, इन्होंने ये कमाल किया कि ये जो मुबारक कलमात लिखे हैं, ये लिखे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लिखे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने अपने नाखूनों से लिखा है, नाखून कदरे बढ़ा के यूँ पीछे लिखा, यूँ खताती की यूँ लिखा, कहीं उभरवा और कहीं दबे हुए। ये इनका ये कैमल सैडल है, ऊँट की काठी है, पाखड़ा इसे कहते हैं। बाकी यहाँ 200 साल करीब कुरान पाक का कलमे लिखा है, जो आप देखेंगे फारसी कलमे के साथ, ये इनका इन्होंने आगा अब्दुल वासे साकब साहब का। ये यहाँ पे 350 साल पुराने मस्जिद है, तो ये जो है बादशाह की मस्जिद चनियोट। हाँ चनियोट है, ये 1655 में बनाई गई शहर में मस्जिद है, जबकि लाहौर वाली 1673 में बनी है, ये लाहौर वाली मस्जिद से पहले बनी है। तो ये स्ट्रक्चर हाँ मैं बताता हूँ, ये शाहजहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाब सादुल्ला खान जिनका ताल्लुक चनियोट से था, इधर रखें आप जरा, ये यहाँ के इस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इधर तो ये 1673 में उन्होंने बनाई, 1655 में, जबकि लाहौर वाली 1673 में बनी है, लाहौर वाली बाद में बनी जबकि ये पहले बनी थी, वो शाहजहाँ के तीसरे बेटे औरंगजेब ने बनवाई, जबकि ये शाहजहाँ के प्राइम मिनिस्टर सादुल्ला खान ने, जो लाहौर वाली, और इसमें नुमाया फर्क ये है कि इसके अंदर आप जब देखेंगे 40 के करीब सतून है, जबकि लाहौर वाली का वो प्रेयर हाल खाली है। ठीक, तो ये वो रेड सैंडस्टोन की बनी, जबकि ये ब्राउन चनियोट की पहाड़ियों से लिया पत्थर, जो आपके पास फुर्सत हो तो अल्लाह के घर की ज्यारत जी जी बिल्कुल, बाकी लोगों का दिया ये सारे बर्तन आज भी हमारे पास है, इस वक्त तक हमारे पास है, इसके साथ हाँ बिल्कुल सेम पराते बड़े। तो ये जो उमर हयात थे वो घोरा थे सारे, ऊपर के जाके फिर दोबारा गेट पर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, आप देखें ये जी जिस जगह मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, देखें कि स्टेयर केस कैसा है, ये वह है जो आपने दरवाजा देखा ना, वो अंदर दाखिल होने का रास्ता था। हाँ दुख भरी कहानी, इन्होंने इस जगह लाइब्रेरी की जरूरत के तहत लैट्रीन बना दी, काश इसे असल शक्ल में रहने दी। ये लैट्रीन था हाँ अब बनी, पहले यहाँ करीब पुराना बाथरूम था। अच्छा तो बड़ा अरसा बंद पड़ा, तो यहाँ पे किस चीज के लिए स्पेस? अच्छा ये रखते थे हवा के लिए, उसे फिर चलेंगे। ठीक है, एक सिस्टम ये कुआं था, एक्चुअली ये वाटर सप्लाई सिस्टम आपके पुराने हर घर में है। यहाँ चरखी रखी होती थी, बोका उसे कहते थे, डोलसा बकट से, यहाँ से पानी निकाल के इस चैम्बर में देते थे, पानी दीवारों में ट्रैवल करता किचन हर मंजिल पे, ऐसा हर फ्लोर पे। अब जमजम में भी ऐसी सेम ऐसी कुआं था, सही अब चेंज हो गया। इधर एक बाथरूम था, यहाँ पानी चरखी रखी होती थी, डोल से पानी निकाल के इसमें उंडेला, फिर पीछे के बाथरूम में गया, हर मंजिल पे ऐसा था। सही सही, इधर से आप आ देखिए, ये थे लोग का
उसमें ज्यादा सा पानी सप्लाई डैम बाथरूम था पहले। हाँ ये बाथरूम। ठीक ठीक ठीक। इस जगह वो दूसरा चरोका बनना बाकी था, देखिए कितनी मजबूत बेस, कितनी लकड़ी लगाई। इस जगह पे वो झरोका बनना बाकी था कि उमर हयात साहब की डेथ हो गई। अभी देखो ये सामने झरोका बना है, लकड़ी लगी है इसमें, दीमक नहीं लगी। उनके यहाँ एक मियार था कि 100 साल से लेके 500 साल तक की उम्र की लकड़ी इस्तेमाल करनी है। सही। इसमें नेचुरली रेजिस्टेंस होती है पुख्ता उम्र की। तो ये गवर्नमेंट ने इसकी सफाई शफाई नहीं करवाई? वो गलियों की सफाई करने वाले झाड़ू दे, पता नहीं क्या आया या किसी की दुआ कह लें। मेरे अकेले के लिए महल है। अच्छा, तो यही रहता है? ना तो नहीं रहता, शाम को चला जाता हूँ, 3 बजे तक रहता हूँ फिर भी। नीचे का मंजर अलग है, ऊपर का अलग है। हाँ ऊपर आसान है उसको, ये मट्टी चूने पानी को फूलों की चुटकी सी रखते थे। सही सही सही। ये इसके दरीचे खुलते देखिएगा, ये देखिएगा जी कर्ण है, ये खमदा ताची है जी जी। ये अंदर ऐसे खुलते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक रोज पैटर्न, वो प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल। इसके दो फिर खोल के बंद करना, अब बंद करना। अप्रोच है फूल, आप दरमियान में देखेंगे ये रोशनदान ऐसे बना जैसे आंख हो, आंख से मुशाबत रखता, जो बाहर आंखें बनी है ये दरमियान वाला आंख से मुशावत रखता, आंख जैसा। हाँ ये आंख है जी जी, तो अंदर दिल है, बाहर आंख के अंदर दिल। अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह यार, बड़े जबरदस्त कारीगर है। ये तो चिन्नौर की जरूरत, आप सोच भी नहीं सकते जितनी कारीगरी हर देखें आराम है। मिस्र आज तक तहकीक और ये भारी पत्थर कैसे उठाए गए, कौम समूद पहाड़ों को तराश के पुरतकल्लम मकान बना लेते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में जो बल्किस दाखिल होने लगी तो उसने पिंडलियाँ खोल दी, समझी कि पानी के हौज़ में चले, हालांकि शीशे का नीचे शीशे लगे हुए। तो ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जी जन्नत से आए, अल्लाह ताला ने इंसान के तहत शौर में जन्नत रखी, लाजवाबी तौर पर ऐसे महल बनवा के जन्नत ही ढूंढ रहा है। लेकिन ये दुनिया जन्नत नहीं हो सकती। कि वो इससे भी जहाँ इंसान की निगाह नहीं जाती, आप यहाँ से देखेंगे अंदर भी शीशाकारी की गई है। ओहो जबरदस्त। तो रिफ्लेक्शन होती है यहाँ से? हाँ एक्चुअली उस वक्त होती होगी जब ये सारे दरीचे, इसका उसने असल में यहाँ खड़े देखने वाला था जब ये सारे दरीचे खुले और यहाँ रोशनी जा रही है। सही। तो कहते हैं कि ये जो महल है ये कर्स्ड है, इसमें कोई आसेब साया वगैरह भी है? जहाँ इतने इंसान आ जाए ऐसी चीजें चली जाती है। नहीं वैसे ये सुना है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कहने के यार बात ये है कि कोई ऐसा घर दुनिया में नहीं है, ऐसी मकान ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अल्लाह की दूसरी मखलूक ना रहती हो। आप छोटी सी मिसाल दूँ रसूल पाक का, ये है कि जब आप किसी के घर में जाओ या कहीं भी जाओ, चाहे दरवाजे बंद हो, आप कहें अस्सलाम वालेकुम,
देखो वैसे एक मजाही उस पूछ रहा था वो तो या इससे ये दो तरह के होते हैं, एक शैतान सी बात, एक रेक, अगर है तो बड़े रेक है। अच्छा रेक है। अच्छा अच्छा तो ये खुलेगा कैसे? हाँ ये देखिए फोल्ड हो जाता है इसका उसमें। वेरी नाइस। अब ये इस कमरे में जाए कमरे इस कमरे में तो ये किस चीज़ के लिए कमरा था? ये जो बड़ा वाला है ये उसके इकलौते बेटे का बेडरूम, ये उनके बाद कार में बेले बनाने इसकी खूबसूरती का ये सबब है कि ये इकलौते बेटे का बेडरूम था। इसकी खास बात ये शीशाकारी है। आप जो सामने चलेंगे जैसे मार्च पास हो रहा हूँ तमाम का मूवमेंट्स के साथ शीशे की आकृति में आप नजर आएंगे। मैं नजर आऊंगा? हाँ शीश महल। अच्छा देखो ये चल रहे आगे पीछे हो रहे, देखो मैं ऐसे घूम रही है, देखो देखो उधर देखो आप, हाँ फिट वाला बना, फिट वाला बना, देखा देखा है मुझे। ये उसके फ्लोर पे नो जो उसके साथ एक ही रूम वापस आते हैं। अच्छा बिल्कुल ये वो था, हाथ पाठ की खूबसूरती दिखाई दे रही है। एक वो खुला है दरीचा, कई रीजन ब्लॉक नहीं होता, नजर रुकती थमती नहीं। वो ये बता रहे आप बनी हुई है सामने बुनियादी तौर पर उसने ना इस चरोके को बनाते हुए मोर पी काफ जैसे वो पर समेटता है, जैसे वो उसकी लंबी गर्दन है वो देखा, अरे वो ये मोर को लिया है उसने, मोर के हुसन से मोर का हुसन इसलिए समझ। तो रात को यहाँ पे आवाजें तो नहीं आती? नहीं नहीं जमाने का यहाँ पे अकेलेपन में नहीं रह सकता। हाँ अगर कोई चौकीदार लगाए फिर वो भी चला जाता है। क्यों? वो रात 11 बजे चला जाएगा, सुबह आएगा ड्यूटी देने, मैं ड्यूटी पे था। अच्छा तो हाँ इंसान है कहो फितरी बात है। हाँ अगर सारा जगह पकाए अंधेरों में ना डूबा रहे फिर हाँ, तो रहना फिर आसान है। ये छाते के भी सामने फैल के भी सामने, ये बिल्कुल जैसे सिंधी अजरक हो। बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये जो गोल स्पेसर नजर आ रहा है ना इनमें शीशे लगे होते थे, पता नहीं है कि नहीं। हाँ शीशे हमारे घर में के पीछे करिए। हाँ घर की छत के तो यहाँ इस पे शीशे लगे। आपका किस मोहल्ले में घर था? गड़े मोहल्ले में। हाँ गड़े ये सारा राजे वाले गड़ा छोड़े वाला ढिगी पार बुढ़ियाना वाला सब ये अपने अपने ये है। आज कोई बनाएगा अलग पीस काट के लगाएगा जबकि उसने एक हिस्से से खुदाई की। इसको दूर से पिक्चर बनाया पूरा पूरा इसका बनाएगा। अपने जमाने का क्या आलीशान महल है? आप न्यूयॉर्क के पुरानी इमारतों में आज किसी भी पुरानी इमारत जैसे ये बस ये गाइड के बात एक्सप्लेन करने के लिए कहता हूँ और आपके वो हैं इससे दिलचस्पी भी। कई लोग कहते हैं इस महल में जिन रहते हैं। एग्जैक्टली सुना जो मैंने भी यही सुना। मैं कहता हूँ जो सारा जुबन होगा जब सब कुछ नया नवेला होगा फिर उस वक्त तो परियां आती होंगी। सही सही सही। तो उसका सिंपल सा जवाब मैंने दे दिया है। अच्छा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस है कि आप जब कहीं जाओ बिल्कुल और सलाम करो कि जो महबूब भी अंदर है उसके लिए आप उसको अल्लाह की सलामती में दो, वो तुम्हारे दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हें भी सलामती दे। और वो ये जब तुम सलाम पर के सीधा पांव जब रखोगे फिर खौफ करने की जरूरत कोई नहीं है। बस वो बिल्कुल वही ईमान की बात। मैंने आज वो पढ़ा एक चैप्टर, एक छोटा सा किताबचा मैंने लिया मेरे फाइल में मोबाइल में पढ़ूंगा जिन्नात, वो बाद में तफसील से पढ़ूंगा उसे, छोटा सा 5 रुपये वो खवातीन। तो उसने मैंने सिर्फ इस हेडिंग पे पढ़ा तो कि क्यामत के दिन सबसे ज़्यादा जिन्नात अजानों की गवाही देंगे, अजान वाले की सिफारिश करेंगे। तो इससे ऊपर हाँ जी चलिए आए टॉप पे शहर का मंजर देखें। शहर का मंजर
ये चारों कोनों पे लकड़ी के क्राउन ताज थे। अच्छा वो हाँ असल यहाँ फानूस लटकती थी जहाँ कब्रें कब्रें बनाए जाने से पहले एक यहाँ पे फुआरा था, उस फानूस और फुआरे की नो कभी एक धार में आते थे। ओ, 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 तो अब ये अफसाने बस ऐद पीरी में शबाब की बातें, ऐसा है जैसे खाक की बात। सही बात। तो कहाँ गया वो गवर्नमेंट ने उतरवा अब दे? किसे इल्ज़ाम दे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क की इस धरती की चप्पे चप्पे की हिफाजत हो। तो फिर मैं ये सब बंद कर दूंगा देखने। बस ये ऊपर वीरानी की झलक है, कैसा सामने से दो मंजिलें गिरा दी गई, कभी उन पे आदमी जाके, ये चिन्नौर शहर की पहाड़ियाँ हैं तो आदमी दरियाए चनाब देख सकता है। ये सारा चिन्नौर है, बड़ा मंदिर ये छोटा मंदिर, वो बड़ा मंदिर आप सही सही ये छोटा मंदिर, ये तो गड़े वाली मस्जिद। हाँ जी ये जी नेमत कदा, ये एक पुराना नाम तो आप ही जानते होंगे, हम तो इसे बिजली के बगैर फ्रिज कहते हैं। बिजली के बगैर फ्रिज, छत पे सोए तो यहाँ पर रात में पानी रखते थे, उसमें दूध की कड़ी देसी रखती, इधर से ठंडी हवा थी, खाना तरोताज़ा, यहाँ जालीदार दरवाजे थे, रेफ्रिजरेटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये इसी ये गोल है। ये पानी का निजाम आखिर तक था, यहाँ एक हैंड पंप था, यहाँ से पानी निकाल के इस हौज में इस टैंक में जमा जाता था, इस किचन के लिए इस्तेमाल होता था। किचन हेलो इस तरह छतें बनाई हैं। आज बना के दिखा देंगे बड़ी। ये क्या है? आइए देखें इसके रंग फीके नहीं पड़े। इसके रंग फीके नहीं पड़े। सही। हर मकान देखा जाए तो छोटा सा महल है, लकड़ी का खूबसूरत काम हमारे घरों में देख सकते हैं, ये बड़ा मिल के रहे एक ही खिड़की दूसरे के यहाँ, दूसरे का दरवाजा पहले दुख सुख के साथ पहले का यह इसमें एक और सबसे तो जो पता नहीं कि वो भी टैप्सी जी ये सब वो भी वाले वो भी हाँ
बनाया तो अपनी कम्युनिटी के बीच में ही हाँ अपनों में वो रहना है हाँ। एक दूसरे का तहफ्फुज़ था सिख खाते थे ना हाँ। हिंदू होते थे हाँ। बड़ी मारधार होती थी अच्छा बहुत यहाँ से खे रहे थे उस हाँ। वक्त जिस वक्त ये बना हाँ। था हाँ। एक नूरी लाई और 50 सिख होते थे काफ़ी था नूरी लाई उनके लिए अच्छा हाजी नूरी लाई का महल नहीं नूरी लाई का महल तो मुझे नहीं पता मैं अपनी अच्छा कम्युनिटी कम्युनिटी अच्छा कोई महल बनवा भी दिया किसी का पता नहीं मगर सेवन अप वालों का महल उनका है महल है हाँ। वो कौन सा महल है वो अच्छा